हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पनीर पराठे की रेसिपी। ये देखिए कितने सॉफ्ट है। तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए मैं बताती हूँ आपको कि पनीर पराठा कैसे बनाना है। देखिए ये सारी सब्जियाँ मैंने काट के यहाँ रखी हुई है, और मैंने यहाँ आटे का डो भी लगा के रखा हुआ है। ये आटे का डो एकदम सॉफ्ट बनाना है, रोटी जितनी सॉफ्ट या फिर उससे थोड़ी सी और सॉफ्ट। तो यहाँ मैंने पनीर लिया है, इसे मैंने हाथों से क्रम्बल कर दिया है। प्याज बारीक कटा हुआ, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा लहसुन। अब पनीर में हम इसे डालेंगे, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च हम बाद में डालेंगे। यहाँ डाल रही हूँ मैं चाट मसाला आधा चम्मच के लगभग, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें आप नमक। यहाँ मैंने आटे में भी नमक डाला है, तो मैं थोड़ा कम ही नमक डाल रही हूँ। अब इसे हाथों से मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने मिक्स कर लिया है, अब इसमें डालूंगी मैं हरी मिर्च। इसे भी मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए अब हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। आयरन का तवा लिया है मैंने, मैं अक्सर पराठे आयरन के तवे पे ही बनाती हूँ। तवा को गर्म होने देते हैं। तो मैं एक बड़ा सा लोई लूँगी आटे का, देखिए इतना बड़ा लोई ले लेंगे हम, और इसे कटोरी की तरह बना लेंगे। किनारे किनारे का पतला करें, बीच का थोड़ा मोटा रहने दें। अब हम स्पून की मदद से इसमें फिलिंग को डाल देंगे। 2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ, इसे दबाकर बंद करें, हाथों से गोल गोल घुमाते हुए बंद कर ले इसे। सूखा पाउडर में लगाएं, सूखे आटे में लगाएं, गोल घुमाएं, फिर हल्के हाथों से इसे दबाएं। देखिए इसे हल्के हाथों से बेलना है हमें। ये देखिए दबाते हुए हल्के हाथों से घुमा घुमा के से बेल लेंगे। अब इसे तवे पर डाल देंगे। उसके बाद आप जैसे पराठा सेकते हैं बस वैसे ही मैं यहाँ पे घी लगा रही हूँ, आप रिफाइंड भी लगा सकते हैं। देखिए मैं दूसरी तरफ भी घी लगा देती हूँ। ये मैंने दोनों तरफ घी लगा दिया है, अब हम इसे पलट पलट के दोनों तरफ अच्छे से सेंक लेंगे। ये देखिए दूसरी तरफ भी मैं हमारा सिक चुका है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। आइए हम अपने सारे पराठे को सेक लेते हैं तब तक। ये देखिए मैंने सारा पराठा यहाँ बना के रखा है, तो बन गया ना बहुत ही जल्दी पनीर पराठा। एक टिप देनी है आपको, पनीर पराठा जब बनाना हो तो फिलिंग
बनाएं और तुरंत भर के उसको बना लें, इसको रखें ना, नहीं तो ये पानी निकल जाएगा इससे, फिर आटा रोटी हमारा फटने लगेगा। तो आप लोग इन्जॉय करिए पनीर पराठा को। बाय बाय एंड टेक केयर।